तो आज ये मीटिंग आप लोगों से इसलिए रखी गई है, अगर आप लोगों ने 2 दिन या 3 दिन पहले की न्यूज पढ़ी होगी तो लुधियाना के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, उसका कारण सिलेंडर था, जिसके कारण 6 लोग शहीद हुए जिसमें से 2 बच्चे थे। घंटी किसी और की, भुगता किसी और का, तो उसी को दिमाग में रखते हुए आप लोगों को ये चूल्हे का डेमोंस्ट्रेशन दिया जाएगा, जिसमें आप सबको ये बताया जाएगा कि आप सिलेंडर यूज कैसे करना है। अगर कोई ऊंच नीच होती है तो उस ऊंच नीच से कैसे बच सकते हैं जब तक आपके पास स्पेशल टीम नहीं पहुंच जाती, ठीक है, उसी को मत्थे रखते हुए सब कुछ आपको बताया जाएगा। आग लगती है सिलेंडर में, क्या कर सकते हैं आप लोग उसमें, सिलेंडर लीक हो रहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, गैस का रेगुलेटर लीक है क्या कर सकते हैं। हाँ जी सुशील, एक लोग आ जाओ, आप कोई भी एक आ जाओ। जैसे देखो, जब भी सिलेंडर आएगा ना अपने घर पे, कोई भी डिलीवरी मैन लेके आता है, तो सबसे पहले उससे आपने बोलना चेक करो, सिलेंडर का सील उतारेगा, चेक करेगा, वाल चेक करेगा, उसके लिए ये किट होती है उसके पास, दोनों किट उसके पास होती है, फेस्टो किट, ठीक है ना। ये है वायरिंग लीक, जब ये ब्लैक कलर का है ना वायरिंग, अगर ये लीकेज होगा तो ये इससे पता लगेगा आपको, इसको ऐसे लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सुई है, अगर ये लीकेज होगी तो ये सुई घूमेगी घड़ी की तरह, नहीं होगी अदरवाइज ये घूमेगी नहीं, ठीक है। ये तो होगी आपका रिंग का, ठीक है। अगर बाल लीक है, बाल के लिए ये रिंग होगी पीले का, ठीक है ना। इसको सेम ऐसे लगाया जाएगा, जब ऐसे लगाओगे तो ये फिर उठेगी, अगर नहीं उठी तो ये सही है। तो इससे चेक करा के ले हमेशा भी, जब भी कोई भी सप्लाई आता है ना सिलेंडर लेके, हर एक गाड़ी में होता ही है, हर एक गाड़ी वाले के पास होता है, हर एक लड़के के पास होता है, इसके बगैर आपने नहीं लेना है। जब भी सप्लाई लेके आएगा ना कोई भी लड़का, सबके पास होता है ये किट जरूर है, ये सेफ्टी किट होती है बेसिकली। आप लोगों के पास जब भी कोई सिलेंडर आए, सिलेंडर का लीकेज जरूर चेक करवाए। सारे डिलीवरी मैनों के पास किट होती है, अगर किट नहीं होती तो सारे डिलीवरी मैन ट्रेंड रहते हैं, सबको लीकेज चेक करनी आती है। लीकेज का साधन सिर्फ ये नहीं है, आप लोग हाथ से भी चेक कर सकते हैं कि लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही, जो आपका डिलीवरी मैन आएगा। सिलेंडर हमेशा अपना चेक करके लें, जो भी आप सिलेंडर लेते हैं अपना, जो भी आपके पास डिलीवरी मैन आता है या कोई भी कंपनी से आता है, सिलेंडर का वेट चेक करें, सिलेंडर की लीकेज चेक करें, जो रबड़ है सिलेंडर की वो चेक करें। आप इनको थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन आप उसके बारे में बताओ, जैसे सिलेंडर वगैरह जैसे लीक हो जाता है तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में। कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे उठाए ढक्कन खोले और हमने फटाक से ये जल्दी से ये लगा दिए जा करके, उन लोगों से लगता नहीं है, जोर से लगा देते हैं, उसमें क्या होता है कि जो वासल है ना वो सुगड़ जाता है, छोटा हो जाता है, तो वो सेट होता नहीं है और हम रेगुलेटर लगा देते हैं, वो उससे कट जाता है, फिर उससे लीक होने लगता है। तो कभी भी अगर लगाएं, ये भी ध्यान दिए कि ये वासल है ये अपनी जगह सेट होना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो छोटा हो जाता है, तो उसी पे लगा देते हैं, वो कट जाता है, कटने का एक रीज़न ये भी है। बाकी ये तो होता ही है, रेगुलेटर आपके पास होता ही है, रेगुलेटर से भी चेक करा ले कोई चीज़, अगर जैसे लीकेज है नहीं हुआ है तो इससे हो जाती है। देखो ये है ना, ये जो है ना रेगुलेटर, यहाँ से अगर आप मान लीजिए हम इससे तो ठीक करके आपको दे दिए, पर रेगुलेटर है यहाँ से भी लीक हो जाती है, जब आपको नहीं पता लगेगा, फिर यहाँ से जब ऑन करोगे एक बार में गैस ज़्यादा निकल जाती है, वो यहाँ से लीक होने लगता है, ये बहुत कम होता है, उस टाइम आपको रेगुलेटर चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से भी होता है, मतलब हमने यहाँ से करा दिया, यहाँ से तो हमारा ठीक है, पर तभी लीक कर रहा है। सिलेंडर को आप बेसिकली 2 माध्यम से चेक कर सकते हैं। सिलेंडर के आप अंदर कभी भी चेक करेंगे, एक नोजल होती है, वो नोजल कटेगी ना हो, अगर वो ठीक है, वहां से लीकेज नहीं हो रही, तो दूसरा माध्यम ये होता है, वहां से भी आप लीकेज चेक कर सकते हैं। साबुन वाला पानी लगाइए, वो आपको बता देगा कि आपका सिलेंडर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। पानी लगाएंगे, अगर बुलबुले आ रहे हैं तो मतलब सिलेंडर में दिक्कत है, अगर नहीं आ रहे तो सिलेंडर आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 माध्यम होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग सिलेंडर
डिलीवरी मैन ने हमारे सामने सिलेंडर रख दिया, हम उसको पैर से उठा के लेके जाते हैं या उसको पटक देते हैं या कुछ भी हो सकता है। उसके दो नुकसान हैं, लोहे की आइटम है, किसी भी चीज पे अगर ये अटक सकती है तो ये वहीं लीक होगी, फटने का भी डर है। भाई चाल साहब मान के चलो आपने सिलेंडर पटक दिया, सिलेंडर पटकने से आपकी तीन चीजों पे इफेक्ट डलता है, एक तो ये रिंग होती है, दूसरा ये बॉडी केस होता है, तीसरा ये नीचे वाली रिंग होती है। इन दोनों रिंग का इतना मैटर नहीं रहता, ये सेंटर वाली जो रिंग है आपकी बॉडी रिंग कहते हैं इसे, इसका मेन काम रहता है। अगर आप बाई चांस जैसे आप सिलेंडर को पैर से रोल करके जा रहे हैं, किसी नुकीली चीज में आपका सिलेंडर लग गया, सिलेंडर ने वहीं लीक हो जाना है और वहीं से उसका फटने का डर 10 गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप कहीं भी सिलेंडर लेते हैं तो डिलीवरी मैन को बोलिए हमारे डिलीवर करके जाए, नहीं आपके जो भी हस्बैंड हैं, पति हैं, भाई हैं या जो भी हैं, उनको ये बोलिए कि सिलेंडर को कंधे पे डिलीवर करके जाए। सिलेंडर को कभी भी फेंके ना, ना उसको धक्का मारे, ना उसको रोल करे, फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सिलेंडर के स्थान। तो हम लोग गिड्डी गैस सर्विस से आए हैं आप लोगों को ये बताने, जब भी आप सिलेंडर लें हमेशा चेक करके लें, सिलेंडर में लीकेज ना हो, सिलेंडर का वेट पूरा हो। सारे डिलीवरी मैनों के पास सारे औजार दिए जाते हैं, हर कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप देखेंगे जितने भी सिलेंडर आपके पास आते हैं वो सारे सिलेंडर कंपनी में जाके चेक होते हैं, ऐसा नहीं है, कंपनी अपना काम पूरी तरह से करती है, बट कई बार मिस हैपनिंग पता नहीं लगता, बनने के बाद से कुछ भी हो सकता है, तो वो कारण बनता है बेसिकली एक्सीडेंट का। अगर आप कल परसों का न्यूज उठा के देखेंगे तो पंजाब के अंदर पिछले 5 दिनों में 2 ऐसे हादसे हुए हैं, एक हादसा मुक्सर में हुआ है, एक हादसा लुधियाना में हुआ है। मुक्सर वाला जो हादसा था वो इतना मेजर नहीं था, बट जो लुधियाना वाला हादसा था उसमें 2 बच्चे शहीद हुए, 2 बच्चों की बॉडी जली है, एक नेशनल इशू बनता है। आप लोगों ने सिलेंडर यूज करना है, फटने की आइटम है, आप लोगों को यूसेज आनी चाहिए, बिकॉज ये सिलेंडर ये औजार ऐसा है आप लोगों की जान खतरे में तो है ही है, साथ में आपके आस पड़ोस वालों की जान भी खतरे में है अगर आप इसका प्रॉपर यूज नहीं करते। एक छोटी सी इसको चिंगारी मिलेगी, इसने वहीं फट जाना है। सर एक बारी मैनुअली चेक करके दिखा दो जो लीक होता है, मैनुअली किताबा चेक करके बिना बताओ जी। दिल लगी हुई है वो आता है, नॉर्मल लोग ऐसे ही करते हैं, आए उसने खोला इसे और ऐसे करके देख लिया, वो उंगली लगा के देख लेता है, यहाँ पे प्रेशर बनता है अगर लीकेज होगा तो, यहाँ जब आप उंगली लगाओगे ना प्रेशर बनेगा, लोग जल्दी जल्दी में यही करते हैं। अब हम लोग कभी लेके आते हैं हाँ, तो ऐसे उंगली लगा के भी कभी कभार हल्का हल्का प्रेशर निकलता है हाँ, तो वो लीक है फिर, लीकेज है या फिर साबुन का पानी है। इसके अलावा साबुन का पानी आप एक बार ऐसे लगा दोगे ना तो बुलबुले बन जाते हैं। अगर ऐसा होता है फिर आपने क्या करना, उसको कुछ नहीं करना, एक कैप लगा करके साइड में बाहर रख देना, खुले जगह में इसको रख देना आपने, फिर आपने अपने एजेंसी में फ़ोन करना, आपने इसको फिर कुछ नहीं करना कि जैसे हमने कुछ ठीक कर रहे हैं या कहने की कुछ और ज़्यादा मतलब हो जाए। तो अगर सर मान लो हमें डिलीवरी मैन दे के चला गया हाँ, उसने चेक नहीं किया, हमने भी चेक किया, ठीक है, हम उसको कहें कि भाई हमारा सिलेंडर लीक है, तो क्या वो बंदा आके लेके जाएगा या हमें एजेंसी जाना पड़ेगा? नहीं, वो आएगा, आप उस केस में एजेंसी कॉल करेंगे, कंप्लेन डालेंगे, एजेंसी वाले आपके पास अपना बंदा भेजेंगे तुरंत, और ये सारा माजरा वही उसी समय सॉर्ट आउट होगा। पर जब भी आप लो पहले तो चेक करवा के लो, या वो चेक ना भी करे सील खोल के एक बार पहले उससे देखो कि इसके अंदर पिन है भी या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ये लगा हुआ है अंदर पिन ही नहीं है, तो अगर पिन नहीं है अंदर वो आपको दे के चला गया, आप जब आपका गैस ख़त्म होगा आप घर में इसको ले जाओगे लगाने के लिए, आपने इसको खोला, इसको खोल दोगे, फिर ये जो है सो प्रेशर से चलेगा, फिर उस टाइम आप क्या करना, आपने तो डर जाओगे, वो तो इसको छोड़ के भाग जाओगे, वो फिर हादसे में जो है सो हो जाते हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं उस टाइम, भाग जाते हैं कि भाई हम कैसे करें।
अगर अब जैसे हम आए लेकर के और हम स्टेम अगर हम देखेंगे अगर यहाँ पर लीकेज है डायरेक्ट है तो हम इसको संभाल लेंगे वहाँ पर। उसी तरह अगर कोई आएगा जो भी सप्लाई लेके आएगा वो आपका संभाल लेगा उस टाइम, लेकिन बाद में फिर आपसे वो संभलेगा नहीं। इसलिए जब भी आइएगा आप खुलवा ले, अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखेंगे तो इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है। वो तो आपको सिलेंडर देके चला जाएगा, सिलेंडर बाद में आप लोगों ने यूज करना है। सेफ्टी के फीचर्स मैटर्स आप लोगों को पते होना चाहिए। तो उसके बाद 30 दिन तक सिलेंडर आप लोगों के हाथ में रहेगा, कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा। जब तक आपका सिलेंडर खत्म नहीं होता इस सिलेंडर ने आपके किचन में पड़े रहना है। एक चीज और बताता हूँ, जैसे कभी भी हम लोग खोलते हैं घर में सिलेंडर ऐसे लगा है ना, तो हम ऐसे आए ऐसे कर लिए खोल लिए, ऐसे कभी भी नहीं खोलना, ऐसे सामने होके कभी नहीं खोलना। जब भी हम सिलेंडर खोलेंगे तो चेहरा साइड में होना चाहिए और ऐसे खोलना, कभी अगर ये उड़ेगा भी तो सीधा सर मुंह में लग जाएगा। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना अपने, क्योंकि ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं।